असलामुअलैकुम गाइस, आज हम जा रहे हैं भिलवाड़ा, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहना। हम पहली बार ट्रेन में बैठे हैं और बहुत सारे दिन बाद हम टेम्पो में भी बैठे हैं गाइस, क्योंकि बाइक है तो बाइक पे चले जाते हैं, तो अभी बैठे हैं टेम्पो में, तो हम तक जाएंगे और ब्लॉग में एंड तक बने रहना। ब्लॉग को बिल्कुल भी मत काट के देखना। जनता पुलिया पे और गाइस हम जा रहे हैं भिलवाड़ा, तो आपको बताएंगे और कैसा क्या है। और मेरे अजरू भी तैयार हो चुका है और मम्मी हमारे साथ जा रही है, तो गाइस ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को बिल्कुल भी मत काटना। तो चलते हैं हम आदेश नगर रेलवे स्टेशन पे, ऑटो आता है। गाइस हम आ चुके हैं अजंता पुलिया पे और गाइज अब हमारे आदेश नगर का ऑटो की वेट कर रहे हैं, ताकि ये वाले भैया तो अभी जा नहीं रहे, बट फिर भी दोस्तों अभी आएगा और आपको दिखाएंगे कि हम जाएंगे वहाँ आदेश नगर। देख रहा इसको, ये ऑटो में कितने दिन बाद बैठा है, इसकी खुशी देख रहा कितने। हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन में, मम्मी भैया उनको ये देख, आपको दिखाओ रेलवे स्टेशन। गाइस हम आ चुके हैं आदर्श नगर और मम्मी लेके आ गई हमारा टिकट। मैं और खाला और अजरू हम तीनों जा रहे हैं, हम शाम को छोड़ के वापस आएंगे, तो ब्लॉग में बने रहना, बिल्कुल भी ब्लॉग को स्किप मत करना। और इन दोनों को देखो, ये बच्चे हैं मेले में घूम रहे किसी के। टिकट आ चुका है, तीन टिकट आए, इसमें तीन है, एक मेरा, एक मम्मी का और एक मतलब खाला और राजू का, हम तीनों का टिकट भी आ चुका है दोस्तों। और अभी ट्रेन आने वाली है और हम लोग क्या क्या खाने वाले हैं वहाँ पे, भिलवाड़ा जा रहे तो ट्राई तो करेंगे, इतना जा रहे तो थोड़ा तो बनता है दोस्तों, तो हम लोग सब कुछ ट्राई भी करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे और पूरी डिटेल में बताएंगे यहाँ से वहाँ तक जाने के कितने रुपये लगते गाइस। मेरी अम्मी है या मुझे छोड़ने, देखो मेरी अम्मी को छोड़ के जा रही हूँ। आज मेरी अम्मी का दिन कैसे निकलता है मेरे को बताइए। जैसे तो ये जो ट्रेन आ रही है ये होने वाली है और ये जाती है अजमेर से ट्रेन उदयपुर, लोकल गाड़ी है, धीरे धीरे देखना मैं कि उल्टी साइड बैठी। हाँ रोने भी गाइस, आप देख सकते हैं कि ये है राजौसी और राजौसी भी बहुत बड़ा गांव है अगर ये देखो, बाकी अधिकतर अजमेर में आपको देखने के मिलेंगे बहुत सारी जगह, छोटे छोटे गांव है, हटुंडी हो गया, राजौसी हो गया, बांधनवाड़ा हो गया, ये है ना गाइस, यहाँ पर मतलब छोटे छोटे मिलेंगे आपको, बाकी बहुत अच्छा रहता है, यहाँ के लोग भी व्यापारिक होते हैं, हम जाते हैं ना तो वो पता है। और यहाँ ज़्यादातर खेतों में मकान बने हुए हैं, खेत की प्लॉटिंग करके बनाए हुए। चल गई गाड़ी, गाइस देख रहे हो ये मज़ा आ रहा है, पहाड़ी भी है, जितनी भी चट्टाने वगैरह, ये देखो कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है ना, किस किस को मतलब नेचर ज़्यादा पसंद है देखो। वाव, कमेंट करके बताओ किस किस को घूमना है। गाइस आप देख सकते हैं कि नसीराबाद आ चुका है, नसीराबाद का यहाँ का कचौरा बहुत फेमस है, देखो जगह जगह सब लोग अभी मतलब बेचते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को, ये देखो हर मतलब हर जगह पे यहाँ नसीराबाद में कचौरा आपको मिल जाएगा, कभी भी आओ तो आप कचौरा ट्राई जरूर करना दोस्तों। और आप लोग कहाँ से देखो कमेंट जरूर करना।
हेलो भाई, नसीराबाद पहुंच चुके हैं। गाइस देख रहे हो पैरट कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं भैया लोग। यहाँ तक भी अभी ट्रेन चल गई ना, तब तक भी समोसे लेके जा रहे हैं। आजकल तो काउंटर भी बन गए छोटे छोटे यहाँ पर नसीराबाद में। गाइस देख रहे हो पानी साफ तो भरा हुआ है या बारिश भी तेज है, इतना पानी भरता है। ये वाला कौन सा स्टेशन आया है गाइस मुझे नहीं मालूम, जब हम उसी ट्रैक पर हैं। बट हाँ, आएगा तब मैं नाम भी बता दूंगी आप लोगों को। ये देखो बहुत प्यारा व्यू हो रहा है। गाइस बांधनवाड़ा आ चुका है। गाइस देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत पानी है। मैं पानी पानी दिखा रही हूँ गाइस, अभी अभी तो जाती रहे, आती रहे तो कुछ और दिखाऊंगी। देखो ये इधर देखो क्या बात है यार तेरे इधर। ये है विजयनगर की ईदगाह और गाइस हम आ चुके हैं विजयनगर में। गाइस हम लोग हो चुके हैं और यहाँ के बहुत समोसा बहुत फेमस है। देख रहे हो कितना अच्छा है ये भी, यहाँ पे भी छोटा सा मजार शरीफ बना हुआ है। गाइस यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा विजयनगर। गाइस देख सकते हैं कि विजयनगर के तो समोसे बहुत फेमस है यहाँ पे और हर जगह मिल जाएंगे आपको। अगर आप भी कभी आओ तो जरूर जरूर ट्राई करना। गाइस देखना एक जने को दिखा दे, ये देखो ये कैसा लपटा पड़ा हुआ है। यहाँ के समोसे फेमस है। गाइस यहाँ विजयनगर में समोसे बहुत फेमस है तो मैंने सोचा कि मैं भी खा के ट्राई करता हूँ। जो आधा जन ने खा लिया अब मैं ट्राई करके बताती हूँ अच्छा है या नहीं है। अच्छा है पहले सस्ते मिलते, सस्ते में अच्छे मिलते, महंगे में तो खास नहीं है। ठीक है हाँ, अगर आप भी आते हो विजयनगर तो एक समोसा खरीद के पहले खा लो, फिर अच्छा लगे तो। वैसे ट्रेन रुकती है ठीक है। गाइस देखो ये गुलाबपुरा और विजयनगर के बीच की पुलिया है, अब आ चुका है गाइस गुलाबपुरा। हम गुलाबपुरा में प्रवेश कर चुके हैं, आप लोगों का गुलाबपुरा में स्वागत है। ये है गुलाबपुरा, गुलाब तो मुझे कहीं नहीं दिख रहे है दूर दूर तक भी, बट हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सफर करके। देखो 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 ये है गुलाबपुरा और ये है हमारे देश का इंडिया का झंडा। गाइस देखो गाँव में जो घर होते हैं ना वो मुझे बहुत मस्त लगते हैं, वहाँ का खाना भी। देखो गाइस यहाँ पे कितना सारा पानी भर चुका है, ओ गॉड, बेचारे परेशान हो जाते हैं सब लोग ऐसे जिनके छोटे छोटे घर होते हैं ना गाइस वो। ये देखो वाओ, चल 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 जल्दी बैठ। गाइस किस किस ने ये चीज की है, ये जल्दी चल जल्दी चल ट्रेन में बैठ बैठ बैठ, ट्रेन आगी ट्रेन आगी। गाइस ये चेक करो पहले जो एंटीना चलता था ना वो वाला, और देखो क्या मालूम यहाँ पे क्या क्या आपको पुरानी चीज दिख जाए है ना गाइस। और किस किस के यहाँ अभी भी है ये वाला पुराना वाला एंटीना, देखो जूम करके दिखा, ये वाला एंटीना जिससे कनेक्शन आता था किसका आता था ये मुझे नहीं मालूम है। और ये घंटा देखो, ये देखो भाई अभी रूपायली में तो अभी तक भी ये वाला घंटा बजाया जाता है गाइस। देखो पुराना कुआ, गाइस भोजराज आ चुका है और देखो सवारी चढ़ रही है। गाइस
देखो सवारियां दौड़ के भी आ रही है कि कहीं ट्रेन चली ना जाए। ये भाई तो हमारा सिमरन बन गया है, देखो ए भाई बैठ जा, सिमरन मत बन। गाइस देख रहे हो दादा लोग बकरिया गाय भैंस सब चला रहे, ये मस्त है यार, ये चीज मस्त है। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कि मांडल में बनती है ईंटें सब, जो सबके घर में काम में आने वाली है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारी मतलब स्मेल भी आती है, और यहाँ कपड़ा मिल भी है भीलवाड़ा में। तो गाइस देख रहे हो आप, ये देखो इतने बड़े बड़े ईंट के भट्टे बने हुए हैं गाइस, जगह पे जगह जगह पे आप देखोगे ईंट के भट्टे मिलेंगे आपको। मांडल में एंट्री करते ही आपको एक से एक ईंट मिल जाएगी दोस्तों, मतलब यहाँ ईंट का ज़्यादा चलता है और भीलवाड़ा में चलता है गाइस कपड़े का, कपड़े की मिल जो जैसे मतलब वहाँ पे एंटर करते ही ये देखो ये यहाँ पे ईंटें बहुत सारी ईंटें यहाँ पे बहुत सारी ईंटें बनती है गाइस। ये देखो मैंने ये जूम कर रखा है और आप देखो ये है यहाँ का, अब भीलवाड़े का दिखाएंगे गाइस आपको डायरेक्ट, मिलते हैं आगे गाइस। देखो ये है, इसकी बोल रही थी ये 7 फुट फूट के देख रहो भीलवाड़ा आ चुका है, ये देखो भीलवाड़ा में एंट्री कर दी है गाइस। और अब आप आपको बताएंगे भीलवाड़ा में हम क्या क्या खाना ट्राई करने वाले हैं। और ये देखो यार भैया भीलवाड़ा आ गया गाइस, आ चुका है भीलवाड़ा, ये इंजन लगा हुआ है यार। हेलो गाइस आ जाओ, जो भी खाना पीना जो भी खाएंगे आगे आपको बताएंगे कि हम लोगों को क्या क्या खाना है। ऊपर चढ़ना पड़ेगा स्टेशन है, और ये इसी ट्रेन में भी हम आए थे। देख सकते हो यहाँ पे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, और अब आपको प्रीवियस वाली सीढ़ियाँ दिखा दी। गाइस यहाँ की लिफ्ट तो बंद पड़ी, खाला बिल्कुल धीरे से आना मैं आ चल, लिफ्ट तो बंद कर रखी पता नहीं कब चल रही है। गाइस आप देख सकते हो कि ये यहाँ से भीलवाड़ा का स्टेशन है, और हम भीलवाड़ा आ चुके हैं, भाई लेने आ गया हमारा। हम आ चुके हैं टोलू भैया की दुकान पे, हमारे टोलू भैया को हमने ढूंढ ही लिया आखिर करके। कैसे हो टोलू भैया? गाइस ये हमने यहाँ से भीलवाड़ा से पोहे ट्राई करे हैं, क्योंकि यहाँ के सब लोग बोलते हैं कि यहाँ के पोहे बहुत अच्छे हैं। तो गाइस हमारे लिए ये पोहे मंगवाए गए हैं, टोलू भैया लेके आए हमारे भैया, ये हमारा दो ही भाई लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहे हैं ये पोहे, खाने में भी बहुत अच्छे हैं, कीमती के ये सब पोहे भीलवाड़ा अजमेर में नहीं मिले। और गाइस व्यवहार चेक करना है ना, तो भीलवाड़े के लोगों की मोहब्बत देखिए आप, इतनी प्यारी है जिसकी कोई हद नहीं है। गर्मी तो बहुत तेज लग रही है, और खाना तो खाने का मन नहीं है, पोहा खा लिया है हम लोग ना, और हम लोग सोच रहे हैं हम लस्सी पी लेते हैं, पर हम लस्सी पीने आ चुके हैं, और यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी है, तो हम लोगों ने सोचा यही की लस्सी पी लेते हैं। लस्सी लग के केसर वाली मस्त पीले कलर की लस्सी लग के रेडी हो चुके हैं, अभी हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का एड्रेस क्या है, टाइमिंग क्या है। और यहाँ का मैं वैसे ही आपको स्टेशन के पास ही है, तो मैं दिखा दूंगा क्या भैया के यहाँ का टाइमिंग वगैरह बता दूंगा। हाँ सही ही मोड़ू मिला दे, लस्सी में दम आ रहा है, गर्मी भी बहुत है, इससे बढ़िया खाने से बढ़िया लस्सी पी लो। गाइस यहाँ पे आसपास में तो आपको मिठाइयाँ वगैरह मिल जाएगी, और ये देखो अजरू आगे आगे जा रहा है। ये है यहाँ की मस्जिद भीलवाड़ा के स्टेशन की, और ये अजर है गाइस, और ये यहाँ पे ये सब दुकानें हैं, और ये यहाँ से दोस्तों हमने लस्सी वगैरह पी ली, और खाने में अभी कुछ खाने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज गर्मी है, बट यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाइस, हमने जितना भी चीज़ ट्राई की बहुत मोहब्बत से और बहुत अच्छे से। तो गाइस मिलते हैं आगे,
और भी क्या चीज़ ट्राई करेंगे आप सबके साथ में जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। गाइस हम लोगों ने यहाँ पे घूम भी लिया है और अच्छे अच्छे से जो भी खाना था हमने खा लिया है गाइस, तो फूड ब्लॉग आने वाला है तो आप लोग देख लीजिएगा। और ब्लॉग गाइस यहाँ स्टेशन के बाहर निकलते ही तो ये सब चीज़ें मिलेगी आपको, सब चीज़ मिल जाएगी ये बाकी। हाँ हम रह गए नॉन वेज खाने वाले, वेज खाने वाले, नॉन वेज नहीं सॉरी वेज। गाइस हम लोगों ने खाना तो नहीं खाया है क्योंकि हम लोग बहुत बुरे थक चुके हैं दोस्तों, लेकिन हम लोगों ने लस्सी भी पी ली और नाश्ता भी कर लिया है गाइस। बाकी अभी ट्रेन आने में टाइम है और अभी वहाँ पे टिकट भी नहीं मिल रहा है, जब टिकट मिलेगा टिकट लेंगे और फिर ट्रेन का वेट करेंगे। तो देखते हो अजर हमारा बहुत बुरा थक चुका है गाइस, इसको बहुत बुरे थकान होगी क्योंकि इसका पैर दर्द करने लगा, तो हम इससे आगे कहीं नहीं गए और ट्रेन का भी टाइम होने वाला था। तो दोस्तों मिलते हैं अब आगे क्या होता है, ट्रेन का टिकट कितनी देर में मिलता है। गाइस जैसे अभी अजमेर में अचानक से बारिश आई वैसे ही यहाँ पे भीलवाड़ा में भी अभी अचानक से कोई मौसम वगैरह तो नहीं था इतनी देर तक, और ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, अचानक बारिश हो गई ये देखो। गाइस मैंने टिकट ले लिया, पहली बार लिया मुझे, पहले तो वहाँ जाके भी डर लगने लग रहा था कि मैंने कभी नहीं लिया, हमेशा हमारे साथ में मम्मी आती है। आज अजरू आया था बट अजरू की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि अजर वहाँ खड़ा हो सके, तो हमने ले लिया है और अब आएगी 3 बजे ट्रेन, फिर चलते हैं अजमेर, मिलते हैं अजमेर में चल के आपको, बाकी बीच बीच का नज़ारा हम आपको दिखाते रहेंगे। उज्जैन जावरा जाने वाली ट्रेन तो अभी इस वाले पे आने वाली है, 2 पे आने वाली है, और देखिए भीलवाड़ा में कितनी सारी पब्लिक बैठी है अभी उज्जैन जाने के लिए और जावरा वगैरह, क्योंकि जावरा में अभी चूल जलने वाली है 40वें पे, तो बहुत सारी पब्लिक है और अभी बहुत भीड़ आने वाली है। देखिए कितने अभी से भी इतनी सारी भीड़ है, देखो पब्लिक था बंद है। गाइस ट्रेन आ चुकी है हमारी वाली, तो चलते हैं, वो भी आ गई, वो वाली भी आ गई और ये भी। गाइस गाइस देख सकते हो फाइनली हमारी उदयपुर से चलकर चित्तौड़ होकर और अजमेर की ओर जाने वाली लोकल और ये सामने देखिए ये जा रही है जावरा मंदसौर उज्जैन नीमच, जावरा जाएगी ना खाली से, जावरा जाएगी ये देखिए, अभी अपने भैया को भी दिखाना होगा। यहाँ जगह रोकना पेन में पर दिखेगा तो हाँ यहाँ से ही दिख जाएगा सर। दोस्तों देख रहा बाप किधर हो आप, हाँ दिख रहे हो गाइस आपको, ले आ जा दिखिए तुझे गाइस, देखो कितना तेज मौसम खराब हो रहा है और हम लेट बचेंगे थोड़ा लेट, बट फिर भी बारिश का मौसम है और हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। अजीरू को दिखा दो ये सो गया है दोस्तों, मौसम का मजा लेने के बजाय एयरफोन लगा के नींद निकाल रहा है वो तो। फाइनली हम लोग है ना अजमेर जंक्शन पहुंच चुके हैं, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये गाइस व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर कर देना दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।